हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल साउथ सिटी पीसीएमबी। हम लोगों ने हमने पिछली क्लास में कई सारे क्वेश्चन सॉल्व किए थे लाइंस एंड एंगल्स के एक्सरसाइज 6.1 के। आज हम लोग एक लास्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये भी, और इसके बाद हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलेंगे जहाँ पर हम लोग और सीखेंगे कि एंगल्स कितने कितने तरह के और हो सकते हैं। वहाँ पे हम लोग कुछ थ्योरम्स पढ़ेंगे, कुछ एग्जाम्स पढ़ेंगे, फिर उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन करेंगे। ये लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का है 6.1 का। इसके बाद जितने क्वेश्चन जो बच रहे हैं एक्सरसाइज 6.1 के, मुझे उम्मीद है कि वो आप लोग बहुत आसानी से कर ले जाएंगे, क्योंकि कोई उसमें ऐसा टफ क्वेश्चन है ही नहीं। और जो भी कुछ मेन क्वेश्चंस हैं वो मैं यहाँ पे बोर्ड पे करा दे रहा हूँ। जैसे कि ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये भी आपके एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 5 है। आप लोग के पास अगर बुक है तो आप बुक खोल के देख सकते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है कि इन द फिगर पी ओ क्यू इज ए लाइन, रे ओ आर इज परपेंडिकुलर टू द लाइन पी क्यू, ओ एस इज अनदर लाइन लाइंग बिटवीन रेज ओ पी एंड ओ आर, देन प्रूव दैट। ये प्रूव करना है, मतलब हिंदी में बोलते हैं अब। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पी ओ क्यू एक लाइन है, ठीक है, ये क्वेश्चन में कहा जा रहा है, और उस पर ओ आर एक परपेंडिकुलर है। ओ आर एक परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर हमेशा 90 डिग्री बनाता है, तो हम लोग चाहे तो इसलिए यहाँ पे हमने 90 डिग्री बना दिया है, ठीक है। फिर ये कह रहे हैं कि हमको ये प्रूफ करना है कि एंगल आर ओ एस जो है वो हाफ है एंगल क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस का, ठीक है। देखने में तो बड़ा अजीब सा क्वेश्चन लग रहा है कि हो सकता, पता नहीं कैसे कैसे क्या करना होगा, ये निकाला जाए, फिर ये वाला एंगल निकाला जाए, फिर ये एंगल निकाला जाए, उसके बाद कहीं हाफ ऑफ आएगा, ऐसा नहीं है। इस तरह का क्वेश्चन हम लोग ने अपने पिछली क्लास में किया हुआ है। देखिए यहाँ पे क्या करना है, देखिए मैं आपको एक लाइन लिख के दे रहा हूँ फिर से, और आपको ये बताना है कि क्या ये सही है कि ये गलत है। देखिए यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रूफ, ठीक। तो एंगल पी ओ एस प्लस एंगल एस ओ आर प्लस एंगल आर ओ क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री है। क्यों है? स्ट्रेट लाइन की वजह से, स्ट्रेट लाइन की वजह से ये तीनों का सम 180 डिग्री आना चाहिए। मतलब इस ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल 180 डिग्री आना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है। क्वेश्चन पहली लाइन में यही कह रहा है कि पी ओ क्यू क्या है, हमारा स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। अब देखिए क्या इन तीनों में से कोई एंगल की वैल्यू हमको पता है? बिल्कुल पता है। किसकी पता है? आर ओ क्यू की, ठीक है। तो आर ओ क्यू की जगह हम लोग 90 डिग्री रख देते हैं, एंगल पी ओ एस प्लस एंगल एस ओ आर प्लस एंगल प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहां से एंगल पी ओ एस प्लस एंगल एस ओ आर इज इक्वल टू 90 डिग्री आ गया। क्यों आया? क्योंकि ये 90 जब उस तरफ जाएगा तो 180 में से 90 जाएगा तो इतना आ जाएगा। तो ये हमको ये पता चला कि एंगल पी ओ एस पी ओ एस और एस ओ आर इज इक्वल टू 90 डिग्री। वैसे ये देखने पे भी लग रहा है कि हाँ ये एंगल कितना होगा, 180 होगा, है ना। और इस चीज को हम लोगों ने प्रूव भी कर दिया है। अब देखिए क्या हमारी बात यहाँ पे खत्म हो गई? नहीं, अभी हमको और आगे प्रूफ करना है। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं कि एंगल एस ओ क्यू को देखते हैं। हमने किसको देखा? एंगल एस ओ क्यू, एस ओ क्यू। तो नाउ एंगल एस ओ क्यू इज इक्वल टू एस ओ आर एंगल एस ओ आर प्लस एंगल आर ओ क्यू प्लस एंगल आर ओ क्यू। क्या ये इतना होगा? क्या ये चीज इतनी होगी? मतलब एंगल एस ओ क्यू एस ओ क्यू इज इक्वल टू एस ओ आर, ये एंगल प्लस ये एंगल इज इक्वल टू ये पूरा वाला एंगल। यह चीज लिखी हुई यहाँ पे, देख लीजिए आप लोग, है कि नहीं। अब इन तीनों में से क्या हमें कुछ पता है, किसी की वैल्यू पता है? बिल्कुल पता है। किसकी पता है? आर ओ क्यू की वैल्यू हमको पता है। रख देते हैं फिर से, एंगल एस ओ क्यू इज इक्वल टू एंगल एस ओ आर प्लस 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री। हम चाहते हैं कि सिर्फ 90 डिग्री उधर रहे, बाकी सब लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाए। तो क्या किया हमने? एंगल एस ओ क्यू माइनस एंगल एस ओ आर इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसको मान लिया इक्वेशन नंबर 2 और इसको मान लिया इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। देखिए अभी तक इस क्वेश्चन को जो हमने सॉल्व नहीं किया था तो हमें इन दोनों का सम और इन दोनों का डिफरेंस नहीं पता था कि 90 डिग्री होगा। ये हम लोगों ने जब सॉल्व किया, प्रूफ करना शुरू किया तो हमको पता चला। तो अब जैसे हम लोगों ने पिछले वीडियोस में एक क्वेश्चन किया था जहां पे दो एंगल का सम 180 आ रहा था और नीचे वाले भी दो एंगल का सम 180 आ रहा था, तो जब 180 180 आ रहा था तो राइट हैंड साइड जब इक्वल था तो हमने लेफ्ट हैंड साइड को इक्वेट कर दिया था।
वही चीज के यहाँ पे नहीं दिख रही है आप लोग को कि यहाँ पे भी 90 है, यहाँ पर भी 90 है, तो हम लेफ्ट हैंड साइड इसका और लेफ्ट हैंड साइड इस इक्वेशन का इक्वेट कर दें। बिल्कुल कर देते हैं। देखिए फ्रॉम वन एंड टू एंगल पी ओ एस प्लस एंगल एस ओ आर इज इक्वल टू एंगल एस ओ क्यू माइनस एंगल एस ओ आर। क्या ये बात समझ में आई? बिल्कुल समझ में आ गई। देखिए एस ओ आर यहाँ पे भी है, एस ओ आर यहाँ पे भी है, तो क्या काट दें? नहीं, नहीं काटेंगे। क्यों? तो यहाँ पे प्लस में है, यहाँ पे माइनस में है। अगर साइन सेम होता तो कट जाता, लेकिन यहाँ पे साइन क्या है, अलग है, इसलिए नहीं कटेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, जो सेम टर्म है उसको एक तरफ ले आते हैं और जो अलग टर्म है उनको दूसरी तरफ ले जाते हैं। ठीक, तो एंगल एस ओ आर प्लस एंगल एस ओ आर, ये वाला एस ओ आर कहाँ से आया? यहाँ से आया। ठीक, कंफ्यूज मत होइएगा। इज इक्वल टू एंगल एस ओ क्यू माइनस एंगल पी ओ एस। देखिए क्यू ओ एस लाना था, ले आए, पी ओ एस लाना था, ले आए। क्या ये इन दो, इसको हम टू एंगल एस ओ आर नहीं लिख सकते? इज इक्वल टू एंगल एस ओ क्यू माइनस एंगल पी ओ एस, नहीं लिख सकते क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं। अब क्या करते हैं, हम इस यहाँ से इस टू को हटा दें, तो एंगल एस ओ आर इज इक्वल टू वन अपॉन टू ऑफ एंगल एस ओ क्यू माइनस एंगल पी ओ एस। यही हमको क्या करना था, प्रूफ करना था। देख लीजिए, यही चीज़ तो हम लोग को प्रूफ करनी थी, तो इस तरह से हम लोगों ने इस क्वेश्चन को कर लिया। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कोई टफ नहीं है इसमें, बस हम लोग को पता होना चाहिए कि कब किसको किसको ऐड करके क्या निकाल लेना है। आसान है, कोई टफ नहीं है इसमें। देखिए इसी तरह का क्वेश्चन हम लोगों ने कल भी किया था और इसी तरह का क्वेश्चन हम आज भी कर रहे हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ तक हमारा क्वेश्चन हो गया, मतलब अब तक हम लोगों ने जितने थ्योरेटिकल पोर्शन पढ़े हैं वो सारे थ्योरेटिकल पोर्शन हो चुके हैं। अब हमको करना क्या है, क्वेश्चन करना है। हमने क्वेश्चन सॉल्व कर दिए, क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिए, अब हम लोग क्या करते हैं, अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है कि उसमें भी हमको टाइप्स ऑफ एंगल्स पढ़ने हैं। टाइप्स ऑफ एंगल्स, कुछ एंगल्स हम लोग पढ़ चुके हैं, जैसे हम लोग स्ट्रेट एंगल पढ़ा था, कॉम्प्लेक्स एंगल पढ़ा था, सप्लीमेंट्री पढ़ा था, कॉम्प्लीमेंट्री पढ़ा था, इस तरह के हम लोगों ने कई सारे एंगल्स पढ़े थे और उनके ऊपर एक एक दो दो क्वेश्चंस भी किए हुए थे। अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं कि अभी तक के जितने भी क्वेश्चंस हम लोग पढ़े थे वो क्लास सिक्स सेवन्थ एट्थ में थे। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, कुछ नए टाइप्स के एंगल पढ़ने जा रहे हैं। जैसे कि पहले तरह का एंगल हम लोग पढ़ेंगे, जैसे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हम लोग पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पे हम लोग अल्टरनेट पढ़ेंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन वो एंगल बन कैसे रहे हैं, क्यों बनते हैं, अब उसको देखना है। जैसे कि पहली बात करें तो एंगल्स हम लोगों ने पहले क्लास में पढ़ा था कि एंगल्स हमेशा बनते हैं किसमें, दो रेज के बीच में। मतलब एक रेज हमारी ये है और दूसरी रे हमारी ये है, तो इनके बीच में जो चीज़ होती है उसको बोला जाता है एंगल, उस चीज़ को बोला जाता है एंगल। ये हम लोग पहली क्लास में पढ़ चुके हैं। तो अब एंगल कितने तरह के होते हैं, अब उसको पढ़ना है। तो अगर हमको ये पता है कि हमको एंगल्स पढ़ने हैं, तो उसके लिए थोड़ा सा हमको लाइंस के बारे में भी पढ़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उन्हीं के बीच में पढ़ रहा है। तो पहली तरह की जो लाइन होती है उसको बोला जाता है पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस सब लोग जानते हैं क्या होती है, वो दो लाइन जो आपस में कभी नहीं मिलती है। सिंपल भाषा में कहा जाए, सिंपल लैंग्वेज में कहा जाए, तो वो दो लाइन जो स्ट्रेट हो, सीधी हो और आपस में कभी ना मिले। जैसे एक एग्जांपल देते हैं, क्या ये एक लाइन और ये एक लाइन आपस में कभी मिलेंगी? मिलेंगी। ये मत कह दीजिएगा कहाँ मिल रही है, ये नहीं देखा जाता है कि देखते टाइम मिल रही है कि नहीं, वो कभी ना मिले। अगर उसको लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड एक्सटेंड कर दिया जाए तो उसे मिलना नहीं चाहिए। जैसे कि मान लीजिए हम इसको एक्सटेंड कर दें आगे की तरफ और इसको भी एक्सटेंड कर दें और इसको भी एक्सटेंड कर दें, तो ये देखिए आगे जाके कहीं ना कहीं मिल रही है। तो इस तरह की लाइन को पैरेलल लाइंस नहीं कहा जाएगा। लेकिन अगर हम कुछ एक लाइन इस तरह से ड्रॉ करें, कुछ लाइनें इस तरह की ड्रॉ करें, तो क्या अगर हम इसको एक्सटेंड कर दें लेफ्ट हैंड साइड में या राइट हैंड साइड में, तो क्या ये कभी आपस में इंटरसेक्ट होंगी, आपस में कभी मिलेंगी? कभी नहीं मिलेंगी। तो इस तरह की जो लाइनें होती हैं उनको कहा जाता है पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस की दूसरी खासियत क्या होती है कि इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होती है, इन दोनों के बीच की ये चीज़ जो डिस्टेंस होती है, ये हमेशा कांस्टेंट होती है। कांस्टेंट का मतलब होता है ऐसी चीज़ जिसकी वैल्यू कभी ना बदले, ऐसी चीज़ जिसकी वैल्यू कभी ना बदले। कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल्स क्या होते हैं, ये आप लोग पहले से जानते हैं, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया भी था। दूसरी चीज़ क्या होती है कि इन दोनों बीच की लाइन की जो डिस्टेंस देख रहे हैं, ये आपस में क्या बनाते हैं, परपेंडिकुलर। मतलब ये चीज़ क्या होंगे, परपेंडिकुलर होगी, ये चीज़ क्या होगी, परपेंडिकुलर। ये पहली तरह की लाइन है जिसको हम लोग बोलते हैं पैरेलल। देखिए आसपास ही हैं लेकिन मिलते कभी नहीं हैं। दूसरी तरह की जो लाइन होती है उसको बोलते हैं ट्रांसवर्स, ट्रांसवर्स लाइन। अभी ट्रांसवर्स लाइन क्या होती है, पैरेलल लाइन अभी समझ में आई थी ट्रांसवर्स का है। ट्रांसवर्स लाइन वो होती है जब कोई दो स्ट्रेट एंगल हो, मतलब स्ट्रेट लाइन हो, जैसे
दो लाइन मैंने बना दी, एक लाइन ये बना दी, एक लाइन ये बना दी। ध्यान दीजिएगा, मैंने स्ट्रेट लाइन कहा है, मैंने पैरेलल लाइन नहीं कहा है। जब भी किसी दो स्ट्रेट लाइन को एक तीसरी लाइन कट करे, कभी भी दो स्ट्रेट लाइन को जब तीसरी लाइन कट करती है अलग अलग पॉइंट पर, तो उस लाइन को कहते हैं ट्रांसवर्स। जैसे कि इस लाइन को मैं बोल दूं M, इस लाइन को बोल दूं N, तो इस लाइन को बोल दूं L, तो ये जो L वाली लाइन है ये ट्रांसवर्स लाइन है, किस पर? M और N पर। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। पैरेलल लाइन आपस में कभी नहीं मीट करेंगी। ट्रांसवर्स लाइन वो लाइन होती है जो दो या दो से ज्यादा भी हो सकता है लेकिन दो से कम नहीं होना चाहिए, दो या दो से ज्यादा लाइन को जब वो दो अलग अलग पॉइंट पे, टू डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट करती हैं, तो उसको कहा जाता है ट्रांसवर्स लाइन। जैसे यहां पे ये इसको कट कर रही है यहां पर और इसको कट कर रही है यहां पे। तो इसी पे एक क्वेश्चन ये है कि मान लीजिए एक लाइन हमारे पास ऐसे जा रही है और दूसरी लाइन हमारे पास ये जा रही है, जैसे इसको हमने बोल दिया M, इसको बोल दिया हमने N, और जो हमारी जो ट्रांसवर्स लाइन है वो हमने ऐसे ड्रॉ कर दी L, तो क्या ये L ट्रांसवर्स लाइन कहलाई जाएगी? नहीं कहलाई जाएगी। क्यों नहीं कहलाई जाएगी? क्योंकि ये देखिए ये M को और N को एक ही पॉइंट पे कट कर रही है, अलग अलग पॉइंट पे नहीं कट कर रही है, डिस्टिंक्ट पॉइंट पे नहीं कट कर रही है। तो इस तरह की जो लाइन होती है उसको बोला जाता है, इस तरह की जो लाइन होती है उसको बोला जाता है ट्रांसवर्स लाइन। ये ट्रांसवर्स लाइन बहुत ही खतरनाक लाइन है, इससे बहुत तरह के एंगल्स बनते हैं। जैसे पहला एंगल जो होता है उसको बोला जाता है करस्पॉन्डिंग एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल। मैं एक बार फिर से कह रहा हूं कि ध्यान दीजिएगा, मैंने यहां M और N को स्ट्रेट लाइन कहा है, पैरेलल लाइन नहीं कहा है। हाँ, अभी आगे चलेंगे जब हम लोग, तो ये M और N को पैरेलल करेंगे लेकिन अभी नहीं किया है। तो पहला एंगल जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है करस्पॉन्डिंग एंगल। अब ये करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है? तो करस्पॉन्डिंग एंगल वो एंगल होता है जो ट्रांसवर्स लाइन के सेम साइड पर, ट्रांसवर्स लाइन के सेम साइड पे। अगर हम इधर देख रहे हैं, राइट हैंड साइड पे देख रहे हैं तो राइट हैंड साइड की तरफ, अगर लेफ्ट हैंड साइड देख रहे हैं तो लेफ्ट हैंड साइड की ही तरफ, मतलब ट्रांसवर्स के सेम साइड की तरफ और लाइन के ऊपर या नीचे बन रहा हो तो उसको बोलते हैं करस्पॉन्डिंग। देखिए ये ट्रांसवर्स लाइन है L, इसके हम लोग राइट हैंड साइड देखें तो ये एक एंगल बना और इसी लाइन के ऊपर एक एंगल ये बना, इसको नाम दे दिया मैंने 1, इसको नाम दे दिया 2, तो ये 1 और 2 क्या हुए? करस्पॉन्डिंग एंगल हुए। ठीक, सिर्फ क्या 1 और 2 होंगे? नहीं, और भी होंगे। जैसे एक एंगल हमारे पास आया ये और एक एंगल आया ये, इसको नाम दिया 3, इसको नाम दिया 4, तो क्या ये भी करस्पॉन्डिंग होंगे, एंगल होंगे? बिल्कुल होंगे। करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं? वो एंगल जो ट्रांसवर्स लाइन के एक साइड पर बन रहे हो, किसी भी एक साइड पर, चाहे वो लेफ्ट हैंड साइड हो चाहे राइट हैंड साइड हो, और उस लाइन के ऊपर हो या उस लाइन के नीचे हो। जैसे यहाँ पे 1 और 2 लाइन के ऊपर बन रहे हैं, 3 और 4 लाइन के नीचे बन रहे हैं, तो इस तरह के एंगल्स को कहा जाता है करस्पॉन्डिंग एंगल। ये हमारे राइट हैंड साइड पे हुए। अब हम लोग को देखना है लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड क्या हुआ ये, तो क्या ये यहाँ पर एंगल, मैं इसको कह दूँ 5 और इसको कह दूँ एंगल 6, तो क्या ये भी करस्पॉन्डिंग होंगे? बिल्कुल होंगे। तो एंगल 5 और एंगल 6 भी हमारे क्या हुए? करस्पॉन्डिंग एंगल हुए। क्या ये एंगल 7 और क्या ये एंगल 8 ये भी करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे? ये भी करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे। सिर्फ करस्पॉन्डिंग एंगल ही होंगे, ये नहीं कह रहा हूँ कि 1 और 2 इक्वल होंगे, इक्वल की बात अभी नहीं आई, अभी सिर्फ ये बात हुई है कि कौन से एंगल को क्या कहा जाता है। तो 1 और 2 को करस्पॉन्डिंग कहा जाएगा, 3 और 4 को भी करस्पॉन्डिंग कहा जाएगा, 5 और 6 को भी करस्पॉन्डिंग कहा जाएगा, और 7 और 8 को भी करस्पॉन्डिंग कहा जाएगा। तो करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं ये अब आपको समझ में आया होगा। एक नया तरह का एंगल आ रहा है जिसका नाम है अल्टरनेट एंगल्स, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? अल्टरनेट एंगल्स। चाहे करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो चाहे अल्टरनेट एंगल हो, ये बनते हमेशा ट्रांसवर्स लाइन से ही हैं। अगर ट्रांसवर्स लाइन नहीं होगी तो ये इस तरह के एंगल्स नहीं बनेंगे। देखिए एक लाइन हमारी यहां पे गई, दूसरी लाइन हमारी फिर से यहां पे गई, पैरेलल की बात अभी नहीं हुई है। यहां पे हमारा एक ये एंगल आ गया, ये हमारा एक एंगल आ गया। तो यहां पे मान लीजिए हम इस एंगल को बोल देते हैं 1 और इस एंगल को बोल देते हैं 2, इस एंगल को बोल देते हैं 3 और इस एंगल को बोल देते हैं 4। ठीक है, अब देखिए क्या हुआ, 1 और 4, तो सॉरी यहां पे भी एक एंगल ले लेते हैं 5 और इस एंगल को ले लेते हैं 6। तो एंगल 5 और एंगल 3 तो हमारे करस्पॉन्डिंग हैं, इतना हम जान चुके हैं, लेकिन अभी अल्टरनेट क्या है?
अल्टरनेट, जैसे आप लोगों ने सुना होगा क्लास में भी कि स्टूडेंट्स जो हैं अल्टरनेटिवली बैठे हैं, मतलब एक को छोड़ के बैठे हैं, जैसे हम बैठे हैं तो हमारे बगल को छोड़ दिया जाए, उसके बगल को जाके बैठे, तो अल्टरनेट का मतलब क्या हुआ, एक को छोड़ के। तो वही चीज यहां पे देख लीजिए, अगर मैं आपसे कहूं कि वन के बाद क्या आ रहा है, वन के अल्टरनेट क्या आ रहा है, तो क्या आप टू कहेंगे? नहीं, क्यों? क्योंकि टू टू उससे सटा हुआ है, टू टू एकदम उसके साथ है, कोई गैप ही नहीं है दोनों के बीच में, तो क्या टू अल्टरनेट होगा? नहीं, लेकिन वन के बाद टू नहीं होगा, लेकिन टू के बाद जब नीचे आया तो देखा थ्री बैठा है, तो ये क्या हुआ? अल्टरनेट। इसका मतलब क्या हुआ? वन आया, वन के बाद हम टू पे नहीं गए, टू के बाद कहां गए? थ्री पे। तो एंगल वन एंड एंगल थ्री ये क्या हो गए? अल्टरनेट एंगल। ये क्या हो गए? अल्टरनेट एंगल। वो एंगल जो एक एंगल को छोड़ के आ रहे हो, उन चीज को कहा जाता है अल्टरनेट एंगल। क्या सिर्फ यही एक अल्टरनेट एंगल बन रहा है? नहीं, और भी है। जैसे अब इस टू को देखिए, टू रह गया था पहले, गुस्सा गया कि हमारी बात ही नहीं हुई, तो अब यहां पे क्या हुआ? अब एंगल टू को देखिए, अब एंगल टू से कहा जाए कि अब एंगल टू का अल्टरनेट बताइए, तो देखिए एंगल टू से सटा हुआ तो एंगल वन भी है, और एंगल टू से सटा हुआ एंगल थ्री भी है, तो क्या वन और थ्री इसके अल्टरनेट होंगे? नहीं, हमें क्या करना है? एक एंगल को छोड़ देना है, उसके बाद देखना है कौन सा एंगल आ रहा है। तो जब हम लोग इधर से देखना शुरू किए तो एंगल वन छोड़ने के बाद फोर आया, इधर से देखना शुरू किया तो एंगल थ्री को छोड़ के भी फोर आया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि एंगल टू एंड एंगल फोर आर अल्टरनेट, एंगल थ्री एंड एंगल टू एंड एंगल फोर आर अल्टरनेट। ठीक, जैसे करस्पॉन्डिंग एंगल में लाइन के ऊपर और नीचे देखा जा रहा था, यहां पर भी देखा जाएगा। मतलब अभी तक जो भी हमने अल्टरनेट बनाया 1, 3, 2, 4, ये इंटीरियर अल्टरनेट एंगल बोला जाता है। इनको क्या बोला जाता है? इंटीरियर अल्टरनेट। क्यों? क्योंकि ये इन दोनों लाइन के बीच में आ रहे हैं। वैसे ही कुछ एंगल्स ऊपर देखिए बन रहे हैं 5, 6 और नीचे भी बना दे रहे हैं 7 और 8, क्या ये भी अल्टरनेट बनेंगे? ये भी बनेंगे अल्टरनेट, लेकिन इनका नाम क्या होगा? इनका नाम हो जाएगा एक्सटीरियर अल्टरनेट, जो बाहर की तरफ से अल्टरनेट एंगल बना रहे हो। जैसे कि एंगल 5 और एंगल 8, एंगल 5 एंड एंगल 8, एंगल 6 एंड एंगल 7, ये क्या है? एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि किस किस तरह के एंगल्स हम लोग को पढ़ने हैं। पहली तरह का हम लोग ने पढ़ा करस्पॉन्डिंग एंगल, दूसरी तरह का पढ़ा है अल्टरनेट, और इन्हीं दो एंगल्स की मदद से ही पूरी एक्सरसाइज हमारी एंगल सॉल्व होने वाली है। सिर्फ एक एंगल और बच रहा है जिसको हम लोग बोलते हैं को इंटीरियर एंगल। चलिए उसको भी देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपकी मैंने ड्रॉ किया दो पैरेलल लाइन, ध्यान दीजिएगा अब पहली बार मैंने पैरेलल लाइन ड्रॉ की है, और एक ट्रांसफर लाइन, इसको नाम दे दिया M, इसको नाम दे दिया L, इसको नाम दिया N, इसको नाम दे दिया L। तो L हमारी हमेशा से ट्रांसवर्स ही लाइन चलती चली आ रही है। ठीक है, अब क्या किया हमने, फिर से इस पे सारे एंगल्स ड्रॉ किए, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। ठीक, सारे एंगल्स हमको पता है कौन से क्या है, कौन किससे क्या बनाता है। अच्छा, एक एंगल और है, वो रह गया वर्टिकली अपोजिट एंगल, है ना, मतलब जो एंगल जिसके सामने हो। हम लोग ने स्टार्टिंग में पढ़ा था पहली क्लास में ही कि वर्टिकली अपोजिट एंगल किसको बोलते हैं, जब दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रही हो तो उनके आमने सामने वाले जो एंगल होते हैं उनको बोला जाता है वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो यहाँ पे वर्टिकली अपोजिट क्या होंगे? 2 एंड 3, 1 एंड 4, 5 एंड 6, 7 एंड 8, 5 एंड 7, तो इस तरह के एंगल्स को क्या बोला जाता है? वर्टिकली अपोजिट एंगल। इसका भी इस्तेमाल पड़ता है जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फिलहाल देखते हैं को इंटीरियर एंगल्स, को इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स। देखिए 4 और 6 बज रहा था, एंगल 4 एंड एंगल 6, ये क्या करेंगे? ये वो काम करेंगे, देखिए क्या करते हैं, जब हम एंगल 4 प्लस एंगल 6 करते हैं तो हमेशा बनता है 180 डिग्री। तो जब एंगल 4 और एंगल 6 को जोड़ने पर 180 बन जाए तो उसको कहते हैं इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स। ठीक, या इसको को इंटीरियर भी कहा जाता है, को इंटीरियर, या इसका एक और नाम है अलाइड, अलाइड एंगल्स। तो इस तरह के एंगल जो 4 और 6 हैं ये क्या होंगे? अलाइड एंगल्स, या को इंटीरियर एंगल। 6 और 3 और 5 ये भी क्या होंगे? अलाइड एंगल्स। हर एक एंगल का अलग अलग नाम से भी पुकारा जाता है लेकिन मतलब एक ही होता है।
तो हम लोग ने इस क्लास में अपने ये देखा है कि टाइप्स ऑफ एंगल्स, कितने कितने तरह के एंगल्स होते हैं। जब हमारी अगली क्लास स्टार्ट होगी तो हम इसी के ऊपर कुछ एक्सियम्स पढ़ेंगे पहले, उसके बाद कुछ थ्योरम्स पढ़ेंगे और उसके बाद दो चार क्वेश्चंस भी देखेंगे। तो उसके साथ ही साथ हमारा ये कॉन्सेप्ट भी कंप्लीट हो जाएगा। दो क्लास और लगेगी इस कॉन्सेप्ट को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को हमारी क्लास अच्छी लग रही होगी। अगर अच्छी लग रही है तो प्लीज़ अपने दोस्तों में इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और हमारा क्लास देखने के लिए, हमारी वीडियो देखने के लिए एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।